अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसा हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, कल जो हमने बेबी पिजन उड़ाए थे ना, तो उनमें से एक रह गया था। तो एक बेबी पिजन ना आ ही गया था, उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे वीडियो एंड करने के बाद ना 10-15 मिनट बाद आ गया था। तो कल एक भाई का कमेंट भी आया था, तो वो बोल रहे थे छतरी पे कबूतर लगाएं। छतरी तो हमारी फ़िलहाल टूटी हुई है और छतरी पे हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना लगते नहीं हैं, कभी जाल पे ही लगते हैं अक्सर ना, काफ़ी सारे पट्टे जो होते हैं ना। तो इस कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी ना छतरी अतरी सही करेंगे। तो छतरी पे तो वाले कबूतर लगते हैं जो पट्टी वाले होते हैं, पट्टी वाले मज़े से लग जाए। तो हमारे तो काबिली बेबी पिजन है, तो इस वजह से मुश्किल ही लगें। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इनको भी लगाएंगे जो अगली बार जो पट्टे निकालेंगे। ये तो अभी जाल के तो ऐसे पक्के हो गए और माशाल्लाह ये छत के ना फुल पक्के लग चुके हैं। तो इनको भी ना और पक्का करेंगे, अभी तो ये बिल्कुल ना ऊपर नहीं गया, आसमान बन नहीं हुए। तो इनको भी ना आसमान वगैरह बन करवाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि वापसी आते हैं या नहीं आते। तो कबूतर वगैरह भी ना मैंने खोले हुए और खरगोश भी खुले हुए, मुर्गा मुर्गी भी खुले हुए, तीन बदमाश अपने, और बकाया रैबिट भी खुले हुए। और अंदर अभी दाना वगैरह नहीं डाला, वो भी डालते हैं। इनको भी दाना पानी वगैरह कराते हैं, इनको भी नहीं डाला मैंने। मैं अंदर आए और ये लोग इतने भूखे हो रहे हैं, तो अभी इनको ना दाना वगैरह डालते हैं। मैं ले आया इनका दाना, आधे इस प्याले में डालूंगा। ये चेक करें, टूट ही पड़ गए ये लोग, तो उतर ही नहीं रही। वो चेक करें आप लोग, पर भी डाल दूँ मैं थोड़ा सा, तो चेक करें इतने ज़्यादा भूखे हो रहे हैं। अभी मैंने इन लोग को ना दाना पानी वगैरह कर दिया, और पानी रखना है इनको, पानी में रख दूंगा जब ये दाना वगैरह खा लेंगे। तो बहुत ही भूखे हो गए थे, मैं अभी आया हूँ काम से, तो इस वजह से ना खाना पानी वगैरह करा दिया। मैं आ गया हूँ बाहर और ये चेक करें बेबी पिजन मेरे कैसे पीछे आ रहा। तो ये लोग भी भूखे हो रहे हैं, तो मैंने इनके लिए अभी ना दाना पानी निकाल लिया। तो वो लोग जब तक दाना खा लेंगे और ये लोग भी दाना पानी वगैरह कर लेंगे। और इसके अंदर ना बहुत शैतानी हो रही है, जा के ना कबूतरों को मार रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको। और अभी भी ना मेरे हाथ में प्याला है ना, तो ये देख के मेरे को लग रहा है ऊपर आएगी, इससे पहले मैं डाल लूँ। ये चेक करें कैसा आ रही है, तो मैं ये चेक करें पीछे पीछे आ रही है, तो ये भी मैं ना डाल देता हूँ। ओए तुम लोगों ने मारना नहीं है कबूतरों को, मैं पहली बता रहा हूँ। तो चेक करें, ये भी इनके साथ ही खा रही है कबूतरों के, और ये कबूतरों को मारे नहीं, बस इतना ज़ोर का नोचते कि कबूतरों के पर वगैरह ही निकल आते हैं। तो इनको ना मैं बंद कर दूंगा थोड़ी देर में। और खरगोश वगैरह किधर गए, खरगोश भी नहीं नज़र आ रहे। वो चेक करें, खरगोश भी ना खोल दिए मैंने, और सुबह लाया था जंतर में, जंतर तो इन लोगों ने खाया ही नहीं। लहसुन खाते हैं शौक से, लेने के लिए गया था मैं सुबह में, उसके बाद था ही नहीं, कहता 12-1 बजे आओ। मैं गया था सुबह 8 बजे का टाइम गया था, तो मेरे को जो मिला मैं उठा के ले आया। तो बाद में मैं इनके लिए ना वो भी लाया था, गाजर वगैरह जो होती है इनकी, फिर इन लोगों ने वो खाया था थोड़ा सा। अभी भूखे हो रहे हैं तो जंतर भी खा रहे हैं, चेक करें आप लोग। तो अभी अंदर वालों के पास चलते हैं, वो भी भूखे हो रहे होंगे। फीडिंग केज में आ गया, और ये देखें कलदुमा आ गया मेरे पास फिर से ना, ये नहीं जान छोड़ेगा, इसको एक बार चने खिला दो ना, ये फिर पीछा नहीं छोड़ता ये। तो अभी चेक करें, इसको पता है बाजरा मेरे प्याली में लाया हूँ, और फ़ौरन आ गया ऊपर, और अभी भागेगा भी नहीं। मेरे को डालने तो दे भाई, और भी भूखे हो रहे हैं, तो खाली भूखा थोड़ी ना, चल नीचे से खा। हाँ शाबाश। तो ये लोग भी ना दाना पानी वगैरह कर लेंगे, पानी इनको मैंने सुबह में डाल दिया था, पानी तो रहेगा, तो कल सुबह में चेंज कर देंगे। और फौजी भी ना अपना अंदर ही, आज मैंने बाहर नहीं निकाला ना, मिट्ठू को बाहर निकाला, मिट्ठू को भी ना थोड़ी देर बाहर निकालेंगे और मौसम इंजॉय करेंगे। तो बबलू को भी दाना पानी कराने, और गोलू को भी दाना पानी कराने, उनको भी दाना पानी वगैरह करा के, सब परिंदों को करा के फिर ना इनको बंद करेंगे। बैड न्यूज़ भी है, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या बैड न्यूज़ हुई है। वो जो कालू मदारी के साथ हमने जो कालू मदारी मादी लगाई थी ना, ये जो है, तो इसकी ना आँख पे ना पता नहीं क्या, वो आँख ख़राब हो रही है, क्या हो गया इसकी ना आँख बड़ी सूजी है। तो इसको भी ना ड्रॉप वगैरह डालेंगे इंशाल्लाह, ये भी ठीक हो जाएगी। कालू मदारी की वाइफ है ये, तो इसने भी अभी तक ना अंडे नहीं दिए, पता नहीं क्या सीन है। तो कालू मदारी का जोड़ा तो लग गया है वैसे, तो इनके भी ना ये वाले और जो डब वाली मादी लगाई थी ना हम लोगों ने, किधर गई वो डब वाली मादी, नज़र ही नहीं आ रही। हाँ अंडों पे बैठी हुई है, उसने भी ना दोनों अंडे दे दिए, तो हफ्ते से तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो गए, दोनों अंडों पे बैठी हुई है। दिखाओ बच्चे क्या, ओ मार रही है फुल, उठो तो सही, ज़रा उठो तो सही। हाँ दोनों अंडे चेक करें, दोनों अंडे, हाँ
चलो आ जाओ ना, तुम भी दाना पानी वगैरह खा लो, अकेली बैठी हुई हो इतने गुस्से में। अंडे भी चेक नहीं करा रही है, चेक करें कल तुम्हें, बिला फालतू में मेरे पास आ गया पता नहीं क्यों। चल ना नीचे जा और बेबी पिजन में दिखाता हूँ कल तुम्हें का भी। ये चेक करें माशाल्लाह, ये चेक करें फुल काला काला और वाइट, फुल कलदुमा ही आया है प्यारा सा। तो अभी नीचे वाला बेबी पिजन चेक करते हैं, नीचे वाला भी बड़ा हो गया लेकिन सही नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अब नज़र आ रहा होगा। तो चेक करें जाक का भी ना बच्चा माशाल्लाह बहुत प्यारा आ रहा है, इस बार कुछ अलग अलग आ रहा है, तो देखते हैं बड़ा होगा तो परवाज़ी निकलेगा या नहीं निकलेगा। पहले वाला भी परवाज़ी निकला था लेकिन समझ नहीं आई थी, वो सोखड़े में चला गया था, इस वजह से ना वो ओढ़ा ही नहीं और कहीं और ही गिर गया। तो इस बार वाला बच्चा देखेंगे जाप का भी के किस तरह आता है, और कलदुमे का भी देखेंगे, तो आप बोल रहा था हैंड टाइम करेंगे, तो हैंड टाइम पता नहीं करते या नहीं करता था। तो अभी मैं जाता हूँ बाहर, इन लोग को दाना पानी वगैरह तो डाल दिए और इन लोग को आराम से खाने देते हैं। ये वो मादी है कालू मदारी की वाइफ, जिसकी ना आँख ख़राब हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा ने फुली हुई थी आँख, तो अभी खुद ही सही हो रही है, लेकिन एहतियातन ना ड्रॉप डालते हैं। तो ड्रॉप डालता हूँ मैं, ये चेक करें, ये अभी इसकी आंखों में ड्रॉप चला गया है, तो इसकी आंखें वगैरह साफ़ हो जाएगी, कचरा वगैरह भी निकल जाएगा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, फिर ये अंडे वंडे भी देगी यकीनन। तो अभी डालते हैं, थोड़ी देर आंख साफ आफ कर लेना ये सही से, वरना झपक लेगी। अगर हम इसको फ़ौरन ले जा के छोड़ेंगे ना, तो ये आँख से सारा जो भी हमने डाली है ना दवाई, तो उसका असर नहीं करेगी, कम से कम आँख झपकेगी ना तो ये फ़ायदा होगा इसका। तो अभी इसको ले जा के छोड़ेंगे वहाँ पे, और बबलू को निकालेंगे और गोलू को भी निकालेंगे, एक एक को दाना पानी कराएंगे। तो सोच रहे होंगे सारे काम मैं कर रहा हूँ, कल की वीडियो में भी सारे काम मैंने किया और ताह भाई नज़र नहीं आ रहे, तो ताह भाई गए हैं भाई पाकिस्तान टूर पे गए हैं, तो इसलिए वो 6 दिन बाद आएंगे। तो अभी ना सारे काम ना मेरे को करने पड़ रहे हैं, ब्लॉग भी सब कुछ, दाना पानी वगैरह। तो बबलू को भी ना मुझे ही दाना पानी कराना पड़ेगा, गोलू को भी, यानी टोटल जो छत पे जितने भी परिंदे ना उन सब की ना मेरे को केयर करनी पड़ेगी, वो भी अच्छे से। तो अभी ना सामने मैंने कबूतर आया हुआ है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, वो सामने में बैठा हुआ है, तो चेक करें ये सामने में पट्टी वाला कबूतर बैठा हुआ, अगर ये उतर गया ना तो मज़ा आ जाएगा, तो अगर नहीं उतरा, अगर बाद में उतर गया तो अगले व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये कबूतर। तो अभी फ़िलहाल ना मेरे साथ ना एक और बंदा खड़ा है, मेरा छोटा भाई है, ये उज़ैफा नाम है इसका। तो अभी ये इसको पता नहीं कहाँ से शौक चढ़ गया, ये आया अभी ऊपर, कह रहा है चलो मैं उतारता हूँ कबूतर, मेरा वाला बूट ना इसको चढ़ गया चिड़ी मारी का, ताहा वाला बूट जो था व्लॉगिंग का वो मैंने ले लिया, और मेरा वाला बूट जो था चिड़ी मारी का वो इसने ले लिया मेरे छोटे भाई ने। तो चेक करें वो सामने में बैठा हुआ है, हो सकता है कि शायद उतर गया, मज़ा आ जाएगा, अगर उतर गया तो काफ़ी दिन बाद चिड़ी मारी हो जाएगी। तो बबलू को निकालता हूँ मैं जल्दी से, और फिर उसको ट्रेनिंग व्रेनिंग कराते हैं, या खाली दाना पानी वगैरह करा देंगे। चेक करें मैं ना बबलू को ना निकाल के ले आएँ, और बाजरा खा रहा है बड़े शौक से, चलो ये तो अच्छा हो गया कि कुछ तो खा रहा है, ये शुक्र है कि ताहा को इसकी इतनी आदत नहीं है कि ताहा से ही खाए, तो शुक्र है मैं खिला रहा हूँ तो मेरे से भी खा रहा है, भूख लगी हुई है तो पेट वेट भर लेगा, फिर इसको भी बंद करेंगे, फिर गोलू को भी निकालना है मैंने जल्दी जल्दी कराने, क्योंकि मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, फिर मैं वापसी चला जाऊँगा काम पे, तो जल्दी से खा लेगा, फिर इसकी थोड़ी सी ना चनों पर ट्रेनिंग व्रेनिंग भी कराएँगे। तो आप लोग को एक काम बोला था, आप लोग से एक काम नहीं हुआ, 50K सब्सक्राइबर बोला था आप लोग को कराने को, जल्दी से करा दें फिर ये गिव अवे हो जाएगा ये बबलू जो है ना हमारा, तो जल्दी से आप लोगों ने 50K कराने लाजमी। तो अभी ये दाना पानी वगैरह खा रहा है, इसको मैंने खिला दिया जितना खिलाना था, और अब ना इसकी ना चनों पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। तो बैठो बबलू, बैठो, अभी ये बैठेगा ही नहीं ना, तो चेक करें ये लोग, ये बैठेगा ही नहीं, ये चेक करें आया आ गया, तो अभी इसको चने खिलाते हैं, ये चेक करें माशाल्लाह चने खा रहा है, और अभी दोबारा ले जाते हैं इसको, और दोबारा ना दोबारा इसको वहाँ पे रखते हैं, तो इसको बुलाते हैं, तो चेक करें ये अभी चनों में ही लगा हुआ है, तो अभी उतर चल, ये चेक करें ये आ गया फिर से ना, तो अभी इसको फिर ट्रीट देते हैं, तो सही से ट्रेनिंग लगी हुई है इसको ना। तो आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए ये आप लोग बताएँ जल्दी से,
तो 50K सब्सक्राइबर करा दें जल्दी से, फिर गिव अवे होगा इसका, जिसका नाम आएगा फिर उसको मिलेगा ये बबलू। तो आप लोग देख लें, आप लोग के सामने ये ट्रेन कबूतर है बिल्कुल। तो आप लोग ऐसे कैसे इसको मना कर सकते हैं कि ये नहीं चाहिए। तो 50K जल्दी से कराएं आप लोग, ये चेक करें। फिर मैं आया तो उधर चला गया, चेक करें। आओ गोलू बबलू, गोलू गोलू, मैं अपने अपने कबूतर का नाम ले रहा हूँ। तो चेक करें, तो इसको खिला देते हैं जल्दी से। तो अभी इसको भी ना बंद करेंगे और गोलू को निकाल लेंगे। तो मैंने बबलू को तो ना बंद कर दिया, और अभी ना बिल्कुल मगरिब का टाइम हो गया। तो अभी मैंने ना खरगोश के लिए ना खाना वगैरह भी तोड़े, तो चेक करें, मैं लाया था और ये अभी खरगोश वहाँ बैठे हुए, तो मैं अभी इन लोग को देता हूँ। आ जा, एक तो ये रहा, अभी ये तो खा लेगा, ये आ गया, चेक करें, ये ले के चला गया, वो चेक करें, ये रहा वो पीछे में चला गया, वो खा रहा है बिल्कुल ना छुप छुप के खा रहा है, चेक करें। तो अभी दूसरे वाले को भी ढूंढते हैं, दूसरा वाला पता नहीं किधर चला गया, दूसरा वाला नज़र नहीं आ रहा है किधर गया, चरपाई के नीचे बैठा हुआ हो सकता है। तो चरपाई के नीचे ही बैठा हुआ है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये बैठा हुआ है, ये रहा, ये चेक करें, ये बैठा, चल भाई ये भी खा ले तो, ये चेक करें, ये भी खा रहे हैं। तो ये भी खाते रहें जल्दी जल्दी, पेट भर लो, अंधेरा होने वाला है, मगरिब हो जाएगी। तो ये लोग भी दाना पानी वगैरह कर रहे हैं, और बकाया इनको भी दाना पानी वगैरह हो गया। बारल जो कबूतर सामने बैठा हुआ था ना, वो नहीं उतरा अभी तक, पता नहीं क्यों वो बैठा का बैठा ही रह गया। वो चेक करें, सामने में बैठा हुआ है, वो नहीं आया। तो मगरिब हो गई है, तो अभी फ़िलहाल गोलू का दाना पानी दे गया बेचारे का। तो बकाया सब परिंदों का तो हो गया, बटेर को रखना था, हाँ बटेर को मैंने नहीं रखा अभी तक, बटेर भी हैं, बटेरों का दाना ये रहा, ये रखा हुआ है। तो चेक करें, बटेर का दाना भी मैं रख देता हूँ, वो लोग भी खा लेंगे, हमारे बटेर भी ना यहाँ पे बैठे हुए हैं मज़े से। तो ये इन लोग भी ना दाना पानी वगैरह खा लेंगे। तो ये लो भाई, जल्दी जल्दी दाना पानी वगैरह खा लेना तुम लोग भी, और इन्जॉय करो तुम लोग भी। आज किसी को भी मैंने बाहर नहीं निकाला था, क्योंकि ऊपर कोई भी नहीं था आने वाला, तो इस वजह से मैं अंदर ही अंदर सबको ना दाना पानी करा दिया। तो बबलू का मैंने कपड़ा नहीं ढका अभी तक, तो बबलू का कपड़ा भी ढक देते हैं। तो अभी ना मैं बाहर आ गई हूँ, सबको ना दाना पानी वगैरह करा के बस ना अभी कबूतर भी बंद करूँगा, और अंधेरा ना फुल हो चुका है। और वो जो कबूतर है ना, वो शेड से उतर के ना नीचे में आ गया, वो आपको बिल्कुल धुल्ला धुल्ला दिख रहा होगा, वो सामने में बैठा हुआ उंगली के इशारे पे। तो आप लोग को तो नज़र नहीं आएगा क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया। तो कबूतर वगैरह भी बंद करता हूँ मैं, दरवाज़ा वगैरह खोल देता हूँ ताकि आराम से चले जाए। देखें बेबी पिजन भी यहाँ लटक रहे, ऐसा नहीं गिर जाए फिर। तो मैं इनको भी बंद वगैरह कर देता हूँ, तो ये भी अंदर वगैरह चले जाएंगे। रैबिट भी खुले, रैबिट भी बंद करने मैंने, ये शुक्र है कि बल्ब वगैरह हमने लगाए थे, दो बल्ब लगाए, रोशनी वगैरह तो हो गई थी। तो कबूतर वगैरह बंद कर दिए मैंने, ये दो रह गए, ये अभी देख देख के बंद करने पड़ेंगे। बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, ये चले गए, चेक करें, अंदर सारे अंदर चले गए, कोई जाल पे भी नहीं बैठा हुआ। तो अभी सारे कबूतर वगैरह बंद करते हैं और ताला लगाते हैं डायरेक्ट। भाई कल की वीडियो में कह रहे थे यार एक टाइम पे वीडियो डाला करो, फिर हम उसी टाइम पे ना वीडियो देखेंगे। तो भाई कल से ना 3 बजे अपलोड होगी वीडियो, तो क्योंकि ना मेरे को काम वगैरह पे भी जाना होता है और फिर लाइट भी चली जाती है, तो इस वजह से ना 3 बजे मैं अपलोड करूँगा वीडियो। तो आप लोगों ने ना कालू मदारी की माँ जी के लिए ना लाजमी दुआ करनी है कि उसकी आँख ठीक हो जाए, क्योंकि ना उसकी आँख बहुत मोटी हो गई है। तो ड्रॉप ड्रॉप तो डाले हम लोगों ने, तो लेकिन ठीक हो जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।